डिस्कस अबाउट दैट हाउ डज द लॉ डिफाइन द फ्रॉड. अगर हम फ्रॉड की बात करें तो लॉ उस चीज को किस तरीके से डिफाइन करता है. सॉरी, चीटिंग एंड फ्रॉड माइट बी टेकन समथिंग समटाइम्स एज बीइंग इन यू कैन से द इनरिचेंजेबल. कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें, ठीक है. इनट्रेंजेबल बेसिकली इन कॉमन लैंग्वेज. लेट लाइक येट द लॉ ऑफ इंडियन लॉ प्रोवाइड फॉर दीज टू डिफेंसेज ऑफेंसेज सॉरी इन सेपरेट सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन अ सेट एंड द लॉ आर डिस्क्राइब अंडर द IPC. अगर हम IPC में बात करें तो फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं तो 421 से लेके 424 तक ये बात करता है. अगर हम 21 की बात करें, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ कंसीलमेंट फैक्ट ओवर प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग क्रेडिटर्स, ये बात करता है इसकी, ठीक है. तो अगर हम देखिए इसमें बात करते हैं हम नाउ 421, तो ये बात करता है एनी पर्सन हु फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली कंसील्स, कोई चीज़ छुपा रहा है जानबूझ के, रिमूव या फिर रिमूव कर रहा है, और डिलीवर टू और ट्रांसफर टू ट्रांसफर और कॉज द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि आपने कोई चीज़ ट्रांसफर कर दी है और उस चीज़ में आपने कुछ चीज़ें छुपाई है, ठीक है. और एनी वन हु हैज डिसीटफुली बेसिकली फ्रॉडुलेंटली हैड कंसील्ड और हैड रिमूव और हैड डिलीवर और ट्रांसफर और हैड कॉज टू बी ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी विदाउट अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, विदाउट आपने अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन उस चीज़ को डिलीवर कर दिया है. द मैंशन कंसीलमेंट और जो आपने मैंशन किया उसमें कंसीलमेंट और रिमूवर किया, डिलीवर किया, ट्रांसफर किया, वॉज डन टू प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एज पर द लॉ अमंग द क्रेडिटर ऑफ अ अक्यूज पर्सन और क्रेडिटर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है. तो ये बात बेसिकली क्या करता है फ्रॉड की अगर हम बात करें तो फ्रॉड इज काइंड ऑफ चीटिंग. अगर हम चीटिंग की बात करें या फ्रॉड की बात करें, समहाउ दीज आर द सेम. सो जब भी कोई पर्सन किसी चीज़ को छुपा के, कोई फैक्ट्स उसमें छुपा के किसी को सामान को डिलीवर कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहा है या समथिंग एल्स, तो ये बेसिकली कम्स अंडर द सेक्शन 421 ऑफ फ्रॉड. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.